कैसे आप लोग, आई होप आप सब बड़े होंगे। मैं भी बड़े हूँ और आज हम आ चुके हैं इंडियन रेलवे म्यूजियम में। देखो, इंडियन रेलवे म्यूजियम की खास है कि यहाँ पे 150 साल का जितना भी इतिहास है अपना, वो सारा यहाँ सजो के रखा गया है। यहाँ पे छोटे छोटे मॉडल ट्रेन के मॉडल्स हैं, ट्रैक्स हैं, पुराने जो भी लाइन्स होंगी, और यहाँ पे म्यूजियम पीछे है, बड़े बड़े ट्रेन है। देखो इतने बड़े ट्रेन में फोटो खींचा, दोस्तों के साथ आओ, मस्ती मारो। जॉय ट्रेन है, टॉय ट्रेन है, बहुत सारे और स्टीम ट्रेन भी यहाँ पे, तो आपको उसका एक्सपीरियंस लेना, पुराने जमाने में कैसे ट्रेन चलती थी उसका एक्सपीरियंस लेना, कैसी होती थी इसका एक्सपीरियंस लेना, तो यार ये आपके लिए जगह है। तो आप अभी कभी भी आना चाहिए। तो ये चाणक्यपुरी के नियर बाई है, और तो अभी हम करते हैं थोड़ा और एक्सप्लोर इसको, तो लेट्स गो। हमारा कैमरा मैन है किंडो, तो चलते हैं, आओ। यहाँ पे वो बता रखा है कि अपना इंडियन रेलवे का जो सर्विस थी पहले कैसे थी और अभी कैसे है। तो पहले थी स्पीड में, धीरे से चलती थी, अब स्पीड में तेज़ हो गई है, लोकोमोटिव इंजन आ गए हैं। पहले कोचेस ऐसे थे, अब ऐसे हो चुके हैं। पहले फूड के लिए देखो बाहर ऐसे था, अब ऐसे हो चुके हैं। तो तरक्की में है रेलवे बताना चाहती है। टिकट ऐसी थी, अब ऑनलाइन बुकिंग ऐसे हो जाती है। और सेफ्टी पहले तो बुरी थी, सेफ्टी अब अच्छी हो गई है। और स्टेशन प्लेटफॉर्म ऐसे थे और अब ऐसे हो चुके हैं। यार ये है महात्मा गांधी की, जिसमें अस्थियां गई थी 1948 में। तो महात्मा गांधी अस्थि कार या अस्थि कोच बोलते हैं इसको। तो यार ये रहा टनल। जब कोई पहाड़ वहाड़ में जब खुदाई करनी होती ना, तो देखो बना, यहाँ से गया, मशीन गई अंदर, मिट्टी आएगी बाहर, ये रहा सारी मिट्टी आई, और ट्रैक्स बन रखे, तो बहुत सारे वर्कर्स हैं। देखो पुराने टाइम के जो रॉयल चेयर्स एंड टेबल्स, देखो सैलून फर्नीचर से सारे रॉयल फर्नीचर, एक उठा ले चले क्या। तो देखो यार ये आप बता रखा कि फ्यूचर में रेलवे कैसा रहने वाला है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या क्या होने वाला है, सब कुछ। टेट्रा सोलर पावर स्टेशन बिल्डिंग और रियल टाइम पैसेंजर इंफॉर्मेशन एंड सेमलेस जर्नी प्लानिंग, LTE 4G माइक्रोवेव कम्युनिकेशंस, यात्री निवास, ये सारी चीज़ें जो फ्यूचरिस्टिक प्लान्स है रेलवेज के, वो यहाँ पे सारे शो कर रखे हैं। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, सारे हाई स्पीड बुलेट ट्रेन। तो ये रहा फ्यूचर रेलवे का, यह हमारा।
सारे देखो ये पुराने पुराने ट्रेन रखी हुई है, सब बड़े बड़े। अंदर म्यूजियम में छोटे छोटे मॉडल्स थे, बाहर बड़े बड़े रखे गए हैं। ये असली है या पुरानी है पता नहीं। अरे आ जाओ ऊपर आ जाओ। इस ट्रेन की हालत खराब है गाइस, ये ढह जाएगी बता रहा हूँ। मद्रास साउदर्न मराठा रेलवे तब की ट्रेन है यार ये, बताओ इसकी हालत होगी खराब। देखो ये रहा, इस पर जाती है भेड़ बकरियाँ जानवरों के लिए जाने के लिए थी। तो रेलवे काम ना सारा काम कर लेती है अपना पूरा। तो देखो अंदर हो रहा, हेलो कुछ अननोन लोग, जैसे मैं पूछूंगा कि उनको जॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाँ तो कैसा लगा आपको? मुझे मजा आया बहुत, बहुत तेज भाग रही थी, बहुत तेज डर लगा। टनल में आपको डर तो नहीं लगा? नहीं नहीं, आप बहुत डर गए थे मुझे लगा, सूत्र से पता चला आप बहुत डर गए थे। पूरा अंधेरा था टनल में यार। अब क्या बोले जो कोयला था ना, इसमें कोयला होता होगा? नहीं तो ये स्टीम के लिए, स्टीम वाला है। ये बहुत मजे जाती है। पर ये है क्या? इंजन है, इंजन तो ठीक है पर है इंजन है कि पूरा इंजन है? सुनो बाय क्रेन है तो मैं नहीं जा दूंगा दोस्त, मैं लेके जा रहा हूँ, मैं ऐसे पाइप खोल दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ट्रेन मेरी है। देखो गाइस अगर तुम पढ़ोगे नहीं लिखोगे नहीं तो ऐसे हो जाओगे प्रताप नगर। ये तो शुरू होती है खत्म हो जाती है। तेज भागती है ट्रेन, बहुत तेज। किंडो भाग, ट्रेन पकड़, किंडो भाग। अच्छा ये वो है यार, ये इसमें व्हील्स लगे देख नीचे, ये घूमता है पूरा पूरा घूमता है। ये मेरे ख्याल से ऐसा है, ये यूजर की इधर भी लग जाता है। हाँ उधर भी लग जाता है, हाँ पूरा घूमता है। ये बनाना वहाँ वहाँ कनेक्ट होता है, ये राइट राइट राइट। और वो रहा उसका वो हैंडल हैंडल, ये रहा हैंडल, अगर इसका हम घुमाएंगे तो ये घूम जाएगा पूरा। देखो अंदर से भी पूरा पता चल रहा है कैसा था ये। ये सीट्स पहले देखो ऐसे सीट्स हुआ करती थी, ऐसे में ही बैठ बैठ के जाया करते थे हमारे बुजुर्ग। ट्रेन आ जाएगी, मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। यार ये रहा शाही सलून जो कि 3 डब्बे का भाग है, ये मैसूर राजा कृष्ण राज वाडियार और उनके परिवार के लिए था ये। यार ये रहा जॉन मोरिस फायर इंजन, ये पहला इंजन था जो कि आग वाग बुझाने के काम आता था शायद ना। ये पूरा ट्रैक है देखो, यहाँ पे जॉय ट्रेन और स्टीम ट्रेन चलती है यहाँ पे। मेरे तो 50 रुपये की एंट्री है, 20 का जॉय ट्रेन है, 100 रुपये का टॉय ट्रेन है और 150 का इंजन का हुआ है। तो आपका मैं तो हमने तो जॉय ट्रेन लिया है और हमने एंट्री लिया तो 70 रुपये ईच पड़ा है और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आया हूँ। तो ये रहा ये चेस है देखो, लूडो वूडो के रखा हुआ है, खेलेगा? अरे कैसे खेले, हम तो नहीं ला पाए थे। हाँ। आप लेके आना जरूर। क्या गोटी? हाँ गोटी यहाँ पे, हाँ यहीं पे आप डाइस वाइस गोटी लाओ, यहीं खेलो। हाँ चेस के, हाँ हाँ बताओ। और पीछे आप एक खाओ, यहाँ खेलो, खाओ खेलो, खाओ और खेलो। यार ये देखो हमारे पीछे नीलगिरी कोच है, ठीक है, यहाँ सारे 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 इंजन और कोचेस मिल जाएंगे, पुराने से पुराने जो ब्रिटिशर के टाइम मिले थे, स्टार्टिंग में पहला इंजन, लोकोमोटिव इंजन, यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक जो भी इंजन बने भी नहीं है। और जो रेलवे के प्लान्स है ना वो यहाँ पे अंदर म्यूजियम में बना रखे हैं जो कि ऑलरेडी आपको वीडियो में दिख जाएगा। और आगे बढ़ते हैं देखो,
और रेल खासकर ना अगर आप कोई रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी रेलवे के बारे में जानना चाहते हो कि कैसा काम करता है पूरा रेलवे, तो यहाँ पे आओ, आपको सारा पता चल जाएगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही था और हम थक चुके हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ आए चाणक्यपुरी के निकल भाई या मोती बाग भी है यहाँ पे आसपास, सत्यनिकेतन के पास ही मिलेगा पीछे सदरगंज रेलवे के पास। तो देखो आज हम अपने दोस्तों के साथ आए थे, आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ ही आओ क्योंकि या तो दोस्तों के साथ ही इन्जॉयमेंट होगी यहाँ पे। ये हमारा दोस्त चिन्नो भी है और यहाँ पे बताओ कैसा लगा? मुझे बहुत मज़ा आया वैसे। यहाँ पे अभिनव भी है हमारे पास। अच्छा था पर वैसे उतना खास नहीं लगा यार। हाँ यार उतना खास तो नहीं लगा, पर फिर भी थोड़ा ठीक ठाक है, सस्ता भी है, लोग साथ पे तो कर भी आई है, दोस्तों के साथ आ सकते हो, मतलब ऐसा एक बार फैमिली, अगर कोई फैमिली देखिए तो बच्चों के साथ तो ये बेस्ट चीज ही है, फैमिली तो फैमिली के लिए परफेक्ट जगह है, पर दोस्तों में तो थोड़ा देखो यार तुम वहाँ जाओ फिर तो। और बाकी बस आज के वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।